नेक्स्ट लाइन है, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेट स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। अब ये कैसे घरों में रहते हैं, तंगलियों में इनके घर हैं, पतली पतली पोल्यूटेड गलियां हैं, सील्ड जो बंद हो चुके हैं, सील्ड इन विद ए रेड स्काई, और उनका जो बंद है आगे से, जिनका आगे ओपन नहीं है, वो आगे जाने का रास्ता नहीं है, सील्ड हो चुकी है, सील्ड है वो गलियां, बंद है विद ए रेड स्काई, और उनका आकाश कैसा है, लेड से बनी हुई छतें हैं, जो टिन से बनी, उनके घरों की छतें पक्की नहीं होती, टिन से बनी होती है, ऐसे धातु से बना हुआ उनका स्काई, यही उनके लिए स्काई है, क्योंकि वो नेचुरल स्काई को कभी देख नहीं पाते, बहुत ही तंग गलियों में उनके घर होते हैं, और रिवर्स नदियों से, केप्स घाटियों से, और तारों से भरे हुए जो वर्ड्स हैं वो उनके लिए बहुत दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं वो इन सब चीजों से, नेचर से, मीन्स नेचर से बहुत दूर हैं ये सब बच्चे। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। ये निश्चित बात है कि शेक्सपियर इनके लिए बुरा है, मतलब शेक्सपियर क्या है, जो कि नेचर के बारे में, किंग्स और लव के बारे में लिखता है, जो कि ऐसी ऐसी भावनाओं से ये कोसों दूर हैं, ऐसी इमोशंस ये कभी फील नहीं कर पाते हैं। द मैप इज ए बैड, मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है संसार का नक्शा, वो इनके लिए बुरा उदाहरण है, क्योंकि इन्होंने कभी उन जगहों को देखा नहीं है, उनके बारे में कभी पढ़ा नहीं है। और शेक्सपियर इसलिए भी विकेट एक बुरा एग्जाम्पल है इनके लिए, क्योंकि वह एक इंग्लिश पोएट है, और इंग्लिश इन बच्चों को अच्छी तरह से पढ़नी भी नहीं आती है। विद शिप्स, और ये कैसा है, ये मैप में क्या है, शिप्स हैं, सन, जहाज, सूर्य, और जो लव, प्यार, टेम्पटिंग देम, ये सब जो इमोशंस है वो उन्हें क्या करते हैं, जो चीजें और इमोशन है, लव है, ये उन्हें चोरी करने के लिए प्रेरित करता है, टेम्पटिंग मतलब उनको ललचाता है ये सब, और वो चोरी करने के लिए बाध्य होते हैं और उस तरफ आगे बढ़ते हैं ये। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और ये सब जो है उनके जीवन को स्लाइली, कनिंगली, चालाकी से बदल देता है, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, उनके जो तंग बिल हैं, मतलब जो छोटे छोटे झोपड़ियां, झुग्गियां हैं जिनमें वो रहते हैं, वो धुंध से लेकर अंतहीन रात की सिम में बदल देता है, मतलब ऐसे तो फोक से डगा उनका फ्यूचर, उसे भी वह एंडलेस नाइट, अंतहीन, कभी खत्म होने वाली रात में बदल देता है, मतलब अंधेरे में उनके भविष्य को धकेल देते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप थ्रो बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। तो ये सब कैसे रहता है, कूड़े के ढेर पर, ये उन देर स्लैग हीप, कूड़े के ढेर, स्लैग हीप कूड़े के ढेर पर वो रहते हैं, दीज चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं रहने वाले, वियर स्किन पीपल थ्रो बाय बोन्स, इनकी हड्डियां कैसे हैं, स्किन से झांकती हैं, इतने माल न्यूट्रिशन न्यूट्रिएटेड हैं ये, मतलब इन्हें कभी भी हेल्दी भोजन नहीं मिलता, तो इतने वीक हैं ये कि इनकी हड्डियां स्किन से झांकती, इतनी पतली स्किन है इनकी, और जो इनके चश्मे हैं वो स्टील के बने हुए हैं, स्पेक्टिकल्स, चश्मे और स्टील, स्टील से बने, भारी धातु से बने हुए हैं, जो बहुत ही अनकंफर्टेबल हैं, विद मेंडेड ग्लास, और ऊपर से इनके जो चश्मों में जो ग्लास लगे हुए हैं वो भी जोड़े हुए हैं, मेंडेड हैं, टूटने के बाद जोड़े हुए दोबारा से, लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स, जैसे कि पत्थर पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका पूरा समय और पूरा स्थान क्या है, ये धुंध से भरी हुई स्लम्स है, झुग्गियां हैं। सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम, तो इन नक्शों पर जो ये स्लम्स हैं, ये बहुत इतना बड़ा धब्बा है जितना कि डूम अंधकार है, रुइन मतलब जो नष्ट होने वाली चीज, बिल्कुल ही विनाशकारी दिखाई, विनाशकारी है, समझ लगता है ये स्लम्स इस नक्शे के लिए।